हेलो फ्रेंड्स, पन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्रीन मटर मसाला। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। आज हम बनाएंगे हरी मटर मसाला। इसके लिए हमने देखिए क्या क्या लिया है। ये 500 ग्राम हरी मटर है। इसको हमने अच्छे से छील छील के साफ कर लिया है। और ये थोड़ी सी पनीर का टुकड़ा है। और ये 5 प्याज है, 20-25 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से काजू, और ये 4 हरी मिर्ची, 4 टमाटर। इसको हम सब मिक्सर में डाल के बारीक पेस्ट बना लेंगे। इन सबको पहले से डाल के मिक्सर में बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम और ये काजू हम अपना नहीं डालेंगे, इसको हम वैसे ऊपर से डालेंगे। खाली लहसुन प्याज और हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमने कुकर में तेल, ये देखिए हमने इसमें सरसों का ऑयल डाल दिया है। गैस अपनी ऑन कर दी है, तेल भी हमारा हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। मार्केट में अभी हरी मटर बहुत आई है, इसलिए आप लोग इसको एक बार जरूर बना के ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए जीरा हमारा हो गया है। हम ये अदरक लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट बनाए थे हम इसको इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से थोड़ी देर ना प्याज और ये जो लहसुन का पेस्ट है इसको थोड़ी देर अच्छे से भूंजना है, हमें फ्राई करना है जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। ये देखिए अभी ये प्याज हमारी अच्छे से नहीं हुई है, अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। जब तक कि हमारी लहसुन प्याज और अदरक का ये पेस्ट है जब अच्छे से हो जाएगा तब ये तेल छोड़ देगा। जब तक हम अपना मसाला निकाल ले रहे हैं। आइए देखिए हमने ये एवरेस्ट का छोला मसाला लिया है। हम इसको हाफ लेंगे। ये इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे, इसका कलर थोड़ा काला ही रहेगा तो ये देखने में अच्छा लगेगा, बिल्कुल अलग। और ये थोड़ा सा हम घर का बना मसाला लिए हैं, अपने हम घर में बनाए थे मसाला। इसमें हम सारा मसाला मिक्स है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा सौंफ है, इसमें दालचीनी, तेजपत्ते, छबीले, मतलब घर के जो सारे मसाले होते हैं, जायफल, इसमें सब मिक्स है। हमें 1 टीस्पून इसको भी डाल देंगे, 1 टीस्पून थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं, बस इतना सा लेंगे। ये देखिए जो हमारा पेस्ट है ये अच्छे से हो गया है। देखो ये तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। ये जो हमने मसाला लिया था इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लिए हैं। अब हम मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर। जैसे आप तीखा खाते हैं उसी हिसाब से बनाना। थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे, एकदम थोड़ा सा। और जो हमने टमाटर लिए थे 4, उनका भी हम पेस्ट बना लिए हैं, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। डाल के इसको भी कुछ देर अच्छे से, इसी तरह से इसको भी कुछ देर थोड़ा भूंजेंगे। ये देखिए मसाले हमारे पक गए हैं। और ये जो टमाटर का पेस्ट डाला था ये भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें जो काजू लिए थे अपने इसको डाल देंगे। और ये जो मटर लिए थे इसको भी हम इसमें डाल देंगे। आप इसे ग्रीन मटर मसाला भी बोल सकते हैं, इसे हरी मटर का छोला भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलिए। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार आप लोग भी जरूर बना के ट्राई करना। ये देखिए अब हम इसमें नमक डाल देंगे।
देखिए 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून और डाल देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालना, थोड़ा कम या ज़्यादा, कोई कम खाता है, थोड़ा कोई ज़्यादा खाता है। बस अब हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। देखिए 1 टीस्पून ये अमचूर पाउडर है, इसको डाल देंगे। बस थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अगर आप पानी नहीं चाहते तो ना डालिए, लेकिन अगर आपको रोटी चावल के साथ खाना है तो थोड़ा पानी इसमें डालना जरूरी है। ये जो हमने इसमें पीसा मटर का पेस्ट बनाया था, इसी मिक्सर से हम पानी इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है। अब हम कुकर अपना ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक इसको बंद कर देंगे। 1 सीटी से ज़्यादा नहीं आने पाने, नहीं तो हरी मटर है वो बड़ी जल्दी एकदम गल जाएगी। ये देखिए हमने 1 सीटी आने दिया, उसके बाद बंद कर दिया, फिर सीटी अपने आप निकल गई थोड़ा, मतलब तब हम गैस खोलेंगे अपना। अब ये देखिए थोड़ा इसमें पानी हमको ज़्यादा गलत लग रहा था, इसलिए थोड़ा इसको खुला कर दिया। खुला करके थोड़े सूचे इसको अच्छे से पक, मतलब पकी तो है ये, चूर तो अच्छे से गई है मटर, लेकिन ये कि थोड़ा सा खुले में पक जाएगी तो इसमें मतलब और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब ये जो अपना पनीर का टुकड़ा लिए हैं हम, इसको डाल देंगे। और ये 2-3 पीस पनीर, इसको हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है ऊपर से सजाने के लिए। ये देखो बस गैस की फ्लेम अपनी हम कर देंगे बंद और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, और फिर आप इसे बना के आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये हरी मटर का आप इसे चाहे छोला बोलिए या ग्रीन मटर मसाला बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास पनीर ना हो तो भी आप इसे बना सकते हैं, काजू ना हो तो आप इसमें थोड़ा मूँगफली का टुकड़ा, उसका छिलका निकाल के मूँगफली डाल सकते हैं, तब भी अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी मटर मसाला बनके तैयार हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा पनीर डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी डाल देंगे, बारीक बारीक हमने इसे काट लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना, क्योंकि मटर की सब्जी खाते खाते तो बोर हो गए होंगे, रोज़ वही डिश, मन नहीं करता, ना तो बनाने का मन करता है और ना ही खाने का मन करता है, एकदम से जी उब जाता है। इसलिए एक बार ये नई डिश बना के ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना दोस्तों आपको ये डिश हमारी कैसी लगी। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मुझे कमेंट करके बताना हम अगली रेसिपी आपके लिए कौन सी बनाएं। और हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।